लेट्स फाइंड जॉब में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है। तो आज की इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी का पेपर सेकंड जानने वाले हैं, इसका फुल आंसर और फर्स्ट पेपर का दोस्तों पूरा पीडीएफ सहित और सॉल्यूशन डल चुका है चैनल पर भी और टेलीग्राम पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों देखिए, पहला अपना विकल्प चालू होता है, तो पहला अपना विकल्प है सामाजिक अनुसंधान की प्रगति है। तो सामाजिक अनुसंधान की कौन सी प्रगति है, तो सामाजिक अनुसंधान की पहला नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक। अब दूसरा चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पद्धति में पूर्व पश्चात प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर का प्रयोगात्मक पद्धति। तो अब चलते हैं दोस्तों तीसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो सामाजिक दूरी का पैमाना किसे बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का बोगार्ड्स। तो अब चलते हैं दोस्तों विकल्प के चौथे नंबर पर, इसमें है किसमें से प्लस तथा माइनस चिन्ह को छोड़ दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर का माध्यमान। ओके दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकल्प का पांचवा क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट का प्रयोग, तो इसमें किसमें होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर कंप्यूटर। तो अब दोस्तों अपन चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला अपन जानते हैं इसमें जो विकल्प हैं और जिसके बाद अपन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जानते हैं। पीडीएफ के लिए अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों अब प्रश्न क्रमांक लघु उत्तरीय प्रश्न के अपन देखते हैं। तो उसमें प्रश्न क्रमांक दूसरा है अपना कि सामाजिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं। तो उसका आप आंसर देख सकते हैं, ये आपके सामने सामाजिक अनुसंधान। तो आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए ये है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा इसका आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निर्देशन पद्धति क्या है। तो निर्देशन पद्धति क्या है, आगे ये है पूरा निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसके अनुसार एक व्यक्ति को सहायता प्रदान की जाती है जिससे कि वह अपने समस्या को समझते हुए आवश्यक निर्णय ले सकता है। तो आपको यहाँ से पूरा लिख लेना है दोस्तों, ये आपको पूरा लिख लेना है यहाँ से चालू होता है यहाँ तक दोस्तों। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट होता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे की ओर। तो प्रश्न क्रमांक चौथा है अपना प्रतिवेदन लेखन के चरण लिखिए या सारणी के उद्देश्य लिखिए। तो सारणी ये है पहले दोस्तों, तो प्रतिवेदन लेखन के चरण हैं, तो प्रतिवेदन के लेखन के चरण यहाँ से चालू हो जाता है, देखिए। तो ये है पूरा उसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से अपना प्रश्न क्रमांक चौथा कम्प्लीट होता है। अब दोस्तों प्रश्न क्रमांक पाँचवें की ओर। तो प्रश्न क्रमांक पाँचवा है अपना सांख्यिकी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो सांख्यिकी की अवधारणा यह है, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसके आंकड़ों का संग्रह है, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का अवकलन का अध्ययन किया जाता है। तो आप यहाँ से पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। तो अब दोस्तों आगे छठवां क्वेश्चन है अपना कि संगणक क्या है। तो दोस्तों ये आप जानते होंगे संगणक क्या है, फिर भी आप देख लीजिए इसका, यहाँ से आपको लिखना है कंप्यूटर, यहाँ से आपका पूरा ये हो जाता है कंप्लीट, इसके आगे ये है। तो इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर। दोस्तों इससे पहले बता दूं, अगर आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के लिए। और दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि आपको जो आगे सॉल्यूशन डालेंगे जिससे आपके पास तुरंत पहुँच सके और आप उन्हें आसानी से हल कर सकें। तो अब दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन सातवां है, भारत में सामाजिक अनुसंधान के महत्व का वर्णन कीजिए। तो यह महत्व का यहाँ से आपका चालू हो जाता है, बहुत दिनों तक मनुष्य के यहाँ से लेकर आपको चालू हो जाता है, यहाँ से आपको लिखना फिर चालू करना है आगे। इसका आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए लेट्स फाइंड जॉब के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यह सारणी क्या है, फिर आपको लिखनी सारणी की विशेषताएं।